हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेडलाफिल 20 mg टैबलेट के यूजेस के बारे में। इस डोज का कब तक असर रहता है बॉडी में, कब लेते हैं, कितना बेनिफिट होता है, तो इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है वायग्रा टैबलेट का असर एग्जैक्ट कितने देर में स्टार्ट होता है बॉडी में, अगर आप भी इसका आंसर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्क ऑफ टेडलाफिल। टेडलाफिल टैबलेट का क्या काम है? अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं, टेडलाफिल का काम आपके बॉडी में और लिंग में ब्लड फ्लो को इनक्रीज करना होता है, जिससे आपको हार्ड इरेक्शन मिलता है। अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है या आपके लिंग में हार्ड इरेक्शन नहीं आता है या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं सेक्स के लिए, तो इस प्रॉब्लम में टेडलाफिल टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये टैबलेट आपको हार्ड इरेक्शन देने के साथ साथ आपको बेड पर लॉन्ग लास्ट भी रखती है। टेडलाफिल टैबलेट 4 डोजेज में आती है, 2.5 mg, 5 mg, 10 mg और 20 mg। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने डोज को चूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसके 20 mg डोज की बात करेंगे। टेडलाफिल टैबलेट का 20 mg का डोज सबसे हायर डोज होता है। ये डोज आपके डॉक्टर तभी रिकमेंड करते हैं जब आपके ऊपर इसका लोअर डोज काम नहीं करता है या आपके बॉडी में इतने डोज की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे भी इसके 20 mg के डोज को लिया जा सकता है टैबलेट लेने के गैप के साथ। ये डोज बेस्ट रिजल्ट देती है और आपको बेड पर लॉन्ग लास्ट भी रखती है। इसके 20 mg का असर आपकी बॉडी में इसके बाकी डोज की तुलना में ज़्यादा दिन तक रह सकता है, बट इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आप शुरू में 20 mg लेना ही स्टार्ट करें। आप शुरू में इसका लोअर डोज लेना स्टार्ट कर सकते हैं। टेडलाफिल टैबलेट के 20 mg के डोज को लेने में कम एक हफ्ते का गैप जरूर रखना चाहिए। टेडलाफिल टैबलेट के 20 mg के डोज को डेली नहीं लिया जा सकता है। टेडलाफिल टैबलेट के 20 mg के डोज को सेक्स करने के 2 से 3 घंटे पहले लेना चाहिए ताकि ये आपकी बॉडी में अच्छे से डिजॉल्व हो और आपको बेस्ट रिजल्ट दे। टेडलाफिल टैबलेट बॉडी में घुलने में टाइम लेती है, इसलिए इस टैबलेट को आप जितना देर पहले लेते हैं ये टैबलेट आपको और भी बेस्ट रिजल्ट देती है। तो इसको 2 से 3 घंटे पहले लेना बेस्ट होता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। टेडलाफिल के 20 mg के डोज से साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस उतने ही रहते हैं जितने इसके लोअर डोज से। अगर आपको इसके 20 mg के डोज से साइड इफ़ेक्ट होता है तो इसका साइड इफ़ेक्ट बॉडी में ज़्यादा देर तक रह सकता है इसके लोअर डोज की तुलना में। वैसे इसके कोई भी डोज से साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस एकदम लो होते हैं, ना के बराबर। किसी को हो सकते हैं और किसी को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। तो टेडलाफिल टैबलेट के 20 mg के डोज को आप इसके अदर डोज को जैसे लेते हैं आप इसको भी वैसे ही ले सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस टैबलेट को आप डेली नहीं ले सकते हैं। इस टैबलेट को लेने में कम एक हफ्ते का गैप जरूर रखिए। बट मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसका लोअर डोज ही लें, ये बेस्ट रहता है। और अगर बाय चांस लोअर डोज आप पर काम ना करे तो आपके पास एक ऑप्शन बच जाता है कि आप हायर डोज ले सकते हैं। तो इसलिए इसके शुरू में लोअर डोज को ही लेना चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।